राम मंदिर के निर्माण के लिए लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह के प्रयास करते हैं, बहुत ही अनुष्ठा और बहुत ज्ञान हवन कर रहे हैं। जब बीजेपी सरकार आएगी तो उन्होंने कहा है कि बनवाने के लिए राम मंदिर, लेकिन सामने परेशानी भी आ रही है। कभी केंद्र तो कभी राज्य सरकार, कोई भी जब ऐसा परमहंस का शरीर छूटा तो यहाँ पर आएंगे। उन्होंने कहा कि संकल्प किया जाएगा राम मंदिर निर्माण के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी तब मजबूती भी होगी। मेयर से लेकर राष्ट्रपति तक सब बीजेपी सरकार, अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं बनता इसका मतलब है कि राम मंदिर पर राजनीतिक खेल है। आप देख सकते हैं प्राइम देखी न्यूज चैनल के लिए तो फेल अहमद की रिपोर्ट। राजा रामचंद्र भगवान की जय। चल तो वहां से आप लोग बैठ लीजिए। जी जी। अरे अब क्या जो है क्या कार्यक्रम किया गया और कब से आप जो है अनमरण अनशन पर जो है देखिए ऐसा है कि आज जो है तीन कार्यक्रम आयोजित था। एक रामशिला का पूजन राम मंदिर निर्माण के लिए, दूसरा यह है कि जब संत लोग शरीर छोड़ते हैं तो एक भंडारा होता है संत समाज का। तो चूंकि मैं आमरण अनशन में इसलिए मैंने सोचा आज पहले भंडारा कर दो। अब तीसरा यह है कि हमारी परंपरा के जो है बाबा गुरु पूज्य श्री राम गुलाम दास जी उर्फ बलुया बाबा की पुण्यतिथि थी, तो तीन कार्यक्रम आज एक साथ हुए। और कल से चूंकि 2 अक्टूबर को शास्त्री जी की और गांधी जी की जयंती है, तो उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर हमने अनशन का शुरुआत रखा है। तो कल 1 अक्टूबर सुबह 5 बजे से यह जो है अन्न जल का परित्याग करके मैं ही तिराहे पर अशोक पेड़ के नीचे बैठूंगा। और मेरा यह है सरकार से मांग है कि यदि SC ST पर कानून बन सकता है तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं बन सकता है। और राम मंदिर इतने दिनों से देखिए तमाम तरह के प्रयास किए गए, तमाम तरह के अनुष्ठान किए गए, नेताओं के हाथ जोड़े गए, तमाम जो है तो ये हुआ। फिर बीजेपी सरकार आगे आई, बीजेपी वालों ने कहा कि अगर रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उनकी मजबूरी थी कि कभी यहाँ प्रदेश में है तो केंद्र में नहीं है, अटल जी केंद्र में आए तो बहुमत में नहीं थे। तो इसके लिए फिर जो है बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जो है बहुत कठोर परिश्रम करके और गांव-गांव में जन जन में जा करके और सब लोगों को जगाए कि यदि बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में आती है तो राम मंदिर बन जाएगा। अब फिर जो है भगवान की ऐसी कृपा रही कि केंद्र में भी बीजेपी बहुमत में है और प्रदेश में भी बहुमत में है। लेकिन 4 साल से ज्यादा इनका कार्यकाल बीत गया, धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। कुछ ऐसे चुटपुट लोग बयान देते हैं और आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे, गैर जिम्मेदाराना बयान। अच्छा,